जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजिक्स पार्ट। आज हम क्वेश्चन एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली वाइज एक एमसीक्यूज अपलोड किया जाएगा और वही एमसीक्यूज जो कि एसएलओ बेस्ड होगा और कंसेप्चुअल और ट्रिकी होता है बाजू का, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर्स का जो स्टैंडर्ड है वो एसएलओ बेस्ड पर बन रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये जो एक सीरीज स्टार्ट की है। तो इसमें आज हम पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर गिवन बिलो, विच पैरामीटर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, कौन सा पैरामीटर इन दोनों में सेम है। देखें, एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वन है उसके लिए ग्राफ ये जो हमारे पास है वो वन, और दूसरे के लिए है टू। इनमें से हमने बताना है कि कौन से पैरामीटर्स दोनों में सेम हैं। पहला बता रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है? नहीं जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइम पर एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है, इसलिए इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं हो सकती। उसके बाद कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो वाजे नज़र आ रहा है हमें कि एम्पलीट्यूड मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो होता है उसे एंगुलर, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड टू का लेस है और वन का ग्रेटर है, तो ये पैरामीटर भी सेम ना हुआ तो बी पार्ट नहीं है। सी पार्ट देखें, कहते हैं स्पीड, क्या दोनों की स्पीड सेम है? नहीं जी, स्पीड भी दोनों की सेम नहीं है, क्योंकि जो वन ऑसिलेटर है वो अपना एक साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा है। अब देख रहे हैं कम टाइम में उसने एक साइकिल कंप्लीट किया, और जो टू है उसने देर से अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है और बाद में एंडिंग हुई है उसकी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो मतलब इनकी स्पीड भी सेम नहीं है, वन की स्पीड ग्रेटर है, टू की लेस है। उसके बाद कहते हैं फेज़ कांस्टेंट, तो क्या फेज़ कांस्टेंट इनका सेम हो सकता है? तो फेज़ कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियली इन दोनों ऑसिलेटर्स ने मीन पोजीशन से अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ओरिजिन से, मीन पोजीशन से, और दोनों का इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट था यानी कि ज़ीरो से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो लिहाजा इनका फेज़ कांस्टेंट जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आंसर डी। एक्सप्लेन, टाइम पीरियड इज़ डिफरेंट फॉर बोथ एज दे बोथ कम्प्लीट वन साइकिल एट डिफरेंट टाइम्स, सो देयर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज विल बी डिफरेंट, सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एज सीन फ्राम द ग्राफ इज डिफरेंट फॉर बोथ, सो देयर एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन हैव मैक्सिमम स्पीड एट देयर मीन पोजिशंस, बोथ द कर्व्स हैव डिफरेंट स्लोप्स एट देयर मीन पोजिशन, सो देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर डिफरेंट, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इनिशियली बोथ आर एट देयर मीन पोजिशंस एंड गोइंग टूवर्ड्स देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम्स, देयर फॉर देयर फेज कॉन्स्टेंट्स विल बी द सेम। तो ये सारी बात मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, I hope you will have understand. So kindly like and subscribe for further same type of questions.